Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, I am going to teach you EVS subject of class 3rd. Okay? आज मैं आप लोग को class 3rd में EVS subject पढ़ाऊंगी. The chapter name of this subject is Work We Do. जो हमारा chapter है, उसका जो नाम है, वो है Work We Do. As you can see on smartboard also, the chapter name is Work We Do. You can, आप स्मार्टबोर्ड पे देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर नेम है वर्क वी डू. एज यू नो ऑलरेडी नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क. सबको पता है कि वर्क का मतलब क्या होता है, काम होता है. व्हाट एवर द थिंग विच वी आर डूइंग विथ अस इज नॉन एज वर्क. जो भी हमारे द्वारा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं. अब जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्क वी डू, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि दैर इज वुमेन, वो क्या कर रही है, स्वीपिंग कर स्वीप कर रही है, मतलब कि झाड़ रही है. कुछ लोग जो है एक स्टॉल पर बैठे हुए वहाँ पे बातें कर रहे हैं. जो स्टॉल पर जो शॉपकीपर है वो उसके जो कस्टमर्स है, जो भी लोग वहाँ पर आए हैं, उसको किस तरह से वो सामान दे रहा है. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क विच आर डन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सन. हर कोई व्यक्ति का अलग अलग काम होता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, इंसानों के द्वारा किया जाता है. तो जैसे कि इफ वी लुक अराउंड वी विल फाइंड एवरीथिंग इज डूइंग सम वर्क. पीपल डू वर्क टू अर्न मनी. अगर हम हमारे आसपास देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं दौड़ भाग कर आ रहे हैं, कुछ जो लेडी है वो साफ़ कर रही है, कुछ जो है वो अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का जो काम होता है वो कर रहे हैं. हम लोग या फिर जो लोग काम करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उनसे उससे क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है. व्हाई वी आर डूइंग वर्क. हम लोग काम क्यों करते हैं, हम ऑफिस क्यों जाते हैं, हम ऑफिस में काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है. वी आर डूइंग मनी फॉर अर्निंग मनी. हम काम इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन आप लोग ने आपकी पिछली क्लास में भी सुना होगा और हमारी जनरल लैंग्वेज में भी आप लोग सुनते होंगे. ऑक्यूपेशन क्या होता है, ओ डबल सी यू पी ए टी आई ओ एन. ऑक्यूपेशन क्या होता है, कोई भी काम किया जाता है तो जब हमें पैसा मिलता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब कि सर्विस करना, बिजनेस करना, हमारा काम करना, उसका हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. द पर्सन ऑक्यूपेशन इज यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी. जो ऑक्यूपेशन होता है मतलब जो काम होता है, जो सर्विस होती है, जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे कंट्री में अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या हमें कुछ भी इजीली मिलेगा, नहीं मिलेगा. अगर किसी भी तरह के हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा तो क्या हमें मिलेगा. जैसे कि हमें सब्जी जो हम खाते हैं, जो भी हम सब्जी खाते, जो भी खाना खाते, तो वो हम किसी से खरीद कर ही लेकर आते हैं. पर अगर हमें अगर जो इंसान है, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई भी इसको काम ना करे, सब्जी को ना बेचे, तो क्या हमें इजीली मिल पाएगा, नहीं. तो मतलब कि जो ग्रीन ग्रॉसर होते, सब्जी बेचने वाले, उनका ऑक्यूपेशन क्या हो गया, उनकी सर्विस क्या हो गई, उनका काम क्या हो गया, सब्जी बेचना हो गया है. इसलिए इजीली इससे हमें क्या मिल जाता है, सब्जी मिल जाती जिससे हम अपना फूड कुक कर सकते हैं. तो ऑक्यूपेशन आप लोग को समझ में आया, ऑक्यूपेशन क्या होता है, एनी वर्क डन टू अर्न मनी. कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट अवर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. अब हम अलग अलग टाइप के जो ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे हम वह डिस्कस करते हैं. जैसे कि यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कारपेंटर. इट इज़ द पिक्चर ऑफ कारपेंटर. कारपेंटर क्या करता है, जो भी डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, उन मतलब फर्नीचर का काम करता है. तो कारपेंटर, जो भी कारपेंटर हो गया उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया, मतलब कि जो भी फर्नीचर बनाने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं. और उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया है, जितने भी फर्नीचर को बनाता है, फर्नीचर मतलब जैसे अगर आपके घर में डोर है,
डोर है, विंडो है, कोई भी लकड़ी का सामान है, टेबल है, पलंग है, वो क्या है? फर्नीचर है। तो फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? ये लकड़ी से जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? फर्नीचर बोला जाता है। और वो कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया कि वो क्या कर रहा है? लकड़ी से वो क्या बना रहा है? फर्नीचर को बना रहा है। जैसे कि हम आगे देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ फार्मर, एवरी वन नोज अबाउट द फार्मर। किसान क्या करता है? अपने खेत में जाके क्या करता है? फसलों को उगाता है। जो भी फसल रहती है उसको क्या करता है? उगाता है। तो उसका काम क्या हो गया? फसल को उगाना हो गया। जैसे यू कैन सी अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स इन हिज फील्ड। जो एक किसान है वो अपने खेत में क्या कर रहा है? अपने खेत में फसल उगाने का काम कर रहा है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? फार्मर का ऑक्यूपेशन क्या हो गया कि वो फसलों को उगाने का काम करता है। अब जैसे कि थर्ड वन इज द पिक्चर ऑफ द टेलर। टेलर का काम क्या रहता है? कपड़ों को स्टिच करना होता है। एवरी वन अवेयर फ्रॉम टेलर, सब टेलर को पहचानते, सब जानते हैं टेलर का काम क्या रहता है? स्टिच करना होता है। कपड़ों को क्या करना होता है? सिलना होता है। तो वॉट इज दिस ऑक्यूपेशन ऑफ टेलर? टेलर का काम क्या हो गया? स्टिच करना। अभी तक हमने थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन देखे। कारपेंटर का काम क्या हो गया? फर्नीचर बनाना होता है। फार्मर का काम क्या होता है? खेतों में फसलों को उगाना होता है। टेलर का काम क्या होता है? स्टिच करना होता है। लेट अस सी अदर पिक्चर, दैट इज टीचर। टीचर का काम क्या होता है? टीचर क्या करती है? इट टीचर्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एज यू कैन सी इन स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो देयर इज वन टीचर एंड सेवरल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो व्हाट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ टीचर? द ऑक्यूपेशन ऑफ टीचर इज टू गिव द नॉलेज ऑफ स्टडी। टीचर का काम क्या होता है? टीचर क्या करता है आपको आपके साथ स्कूल में? टीचर क्या करता है? टीच करता है, मतलब कि आपको पढ़ाता है। तो ऑक्यूपेशन क्या हो गया टीचर का? मतलब कि टीचर का काम क्या हो गया? पढ़ाने का काम हो गया। अब जैसे कि दिस इज द पिक्चर ऑफ पुलिस। पुलिस क्या करती है हमें? थीफ, मतलब कि चोरों से बचाती है, बुरे लोगों से बचाती है। तो मतलब पुलिस का ऑक्यूपेशन क्या हो गया? वो एक हमें क्या करती है? बुरे लोगों से और चोरों से क्या करती है? हमें बचा कर रखती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है हमें, ठीक है। अब जैसे कि आप कर देख सकते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या होता है? पोस्टमैन का काम लेटर को डिलीवर करना होता है। आप देख सकते हैं एवरी वन अवेयर फ्रॉम द पोस्टमैन, सबने पोस्टमैन को देखा भी होगा। पोस्टमैन क्या करता है? लेटर्स को क्या करता है? डिलीवर करता है, मतलब कि एक दूसरे तक की पहुंचाता है। तो उसका काम क्या हो गया? डिलीवर करना, मतलब कि जो मैसेज जिस इंसान को पहुंचाना उस इंसान के को लेटर के थ्रू वो पहुंचाता है। तो हियर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सन्स हु आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग पर्सन्स के द्वारा अलग अलग काम किया जा रहा है। और क्यों काम किया जा रहा है? बिकॉज फॉर अर्निंग मनी, पैसे को क्या करना है? अर्न करना है, पैसे कमाना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जैसे कि दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉबलर। कॉबलर क्या करता है? हमारे जितने भी शूज फुटवेयर होते हैं उसको क्या करता है? रिपेयर करता है। तो व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ कॉबलर? मोची का काम क्या होता है? रिपेयरिंग का काम होता है। किसका रिपेयर? किसको सुधारना? हमारे जितने भी फुटवेयर होते हैं, शूज होते हैं, उनको क्या करता है कॉबलर? सुधारता, रिपेयर करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? जो भी बीमार लोग होते हैं उनको क्या करता है? ठीक करने का काम करता है, मतलब कि उनको वेल करने का काम करता है, अच्छा करने का काम करता है। तो यू कैन सी व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ वर्क। ऑक्यूपेशन क्या हो गया डॉक्टर और नर्स का? कि दे ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। व्हेन वी आर सिक दे ट्रीट अस। जब हम बीमार होते तो हम लोग को ट्रीट करता अच्छे करने में। तो अभी तक हमने कितने सारे ऑक्यूपेशन देखे? अभी तक हमने कारपेंटर का देखा, हमने फार्मर का देखा, पोस्टमैन का देखा, पुलिस का देखा, टीचर्स का देखा, कॉबलर का देखा, डॉक्टर का देखा। हियर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशंस वी सॉ ऑन स्मार्ट बोर्ड। अलग अलग टाइप के जो ऑक्यूपेशंस होता है वो हमने स्मार्ट बोर्ड पर देखा। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। और हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का काम कैसा होता है? अलग अलग होता है। आपके आसपास भी देखते होंगे
कि जो सब्जी बेचने वाला होता है उसका हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, सब्जियों को क्या करता है, बेचता है, बेचने का काम करता है। तो उसका काम क्या हो गया, सब्जियों को बेचने का काम हो गया। जो आपके घर में दूध लेकर आता होगा, मतलब कि अ मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क, मिल्क मैन क्या करता है, दूध वाला क्या करता है, दूध बेचता है। तो उसका काम क्या हो गया, दूध को बेचना, मतलब कि उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया, उसका सर्विस क्या हो गया, उसका वर्क क्या हो गया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उसका काम क्या हो गया, दूध को बेचना हो गया। कभी अगर आप लोग ने देखा होगा, जैसे आप बेकरी वगैरह में जाते हैं, जैसे कि कभी बैग समोसा लेने जा रहे हैं, कभी केक लेने जा रहे हो, कभी पेस्ट्री लेने जा रहे हो, तो जो बेक वाला रहता है, बेकर्स रहता है, वो बेकर्स क्या करता है, वो क्या करता है, केक बिस्किट ब्रेड्स को क्या करता है, सेल करता है, मतलब कि बेचता है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया कि वो जो बेकर होता है वो क्या करता है, जितने भी बेक आइटम्स होते हैं, बेक आइटम्स मतलब कि केक हो गए, बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गए, ये सब क्या बेक आइटम्स हैं, तो उसको क्या करता है, सेल करता है, बेचने का काम करता है। तो उसका ये ऑक्यूपेशन हो गया। कभी आपने प्लम्बर देखा होगा, प्लम्बर क्या करता है, नल सुधारने वाला जो रहता है। कभी अगर आपके घर में पानी लीक हो रहा है तो हम किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। तो प्लम्बर क्या करता है, हमारे घरों में अगर पानी लीक होता है तो टैप को क्या करता है, नल को क्या करता है, पाइप को क्या करता है, सुधारने का काम करता है। तो उसका काम क्या हो गया, रिपेयरिंग ऑफ लीकेज टैप्स, मतलब कि वो क्या करता है, जितने भी नल लीक हो रहे उसको सुधारने का काम करता है। तो हियर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन विच आर डन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल। अलग अलग तरीके के जो ऑक्यूपेशन होते हैं, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं, वो हमारे अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। तो होप सो यू अंडरस्टूड दिस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एज यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, दैट इज द वर्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्पर्स। पहले तो हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी होता क्या है। कम्युनिटी क्या होता है, जिस तरह से सोसाइटी रहती है, सोसाइटी में क्या हम एक ही लोग रहते हैं, नहीं, सोसाइटी मतलब कि एक समाज, मतलब कि कितने लोग रहते हैं, एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, 50 सैकड़ों हज़ारों इस टाइप के लोग रहते हैं, मतलब कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। और कम्युनिटी भी उसको हम उसी को हम बोलते हैं जो कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अब जैसे कि इस पर लिखा है कम्युनिटी हेल्पर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होता है, पीपल हु प्रोवाइड सर्विस टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स, वी पे फॉर देयर सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्पर्स वो होते हैं जो लोगों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, नौकरियां देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स। हेल्प के बारे में सबको पता होगा, हेल्प मतलब आपको भी पता होगा, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। तो कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होता है, ऐसे लोग जो कि दूसरों को क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, उनका हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। और जो जिनके द्वारा हमें सर्विस मिलती वो क्या करते हैं, हमें पे करते हैं, मतलब कि हमें पैसा देते हैं। तो कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होता है, पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। ऐसे लोग जो कि लोगों को क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। जैसे कि अब आप डॉक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, डॉक्टर कहाँ पर रहते, हॉस्पिटल में रहते, हॉस्पिटल भी किसी इंसान के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो जैसे कि मान के चलिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एमजी हॉस्पिटल है, तो किसके द्वारा बनाया गया, सरकार के द्वारा बनाया गया। तो सरकार क्या करती है, हमें डॉक्टर्स को पैसा देती है, तो सरकार क्या हो गई, कम्युनिटी हेल्पर हो गई। उसी तरह से अगर आप देखिए कुक, अगर आपके घर में कोई खाना बनाने वाली आ रही है, कुक आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते, हम उसको क्या दे रहे, पैसे दे रहे, इसलिए वो हमारे घर पर आ रही है, तो हम क्या हो गए, कम्युनिटी हेल्पर हो गए। मतलब कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अदर पीपल, हम दूसरे लोग को क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द वर्क वी डू, मतलब कि जो जो काम दूसरों अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, मतलब कि उनकी सर्विस क्या होती है, वह हमने डिस्कस करा। अब जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर्स क्या होते हैं, मतलब कि जो समाज की सेवा करते हैं,
समाज की सेवा करते मतलब कि उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, बिना निस्वार्थ भाव से लोग उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी क्या कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से बहुत से लोग जो रहते हैं जिनको कि खाने को नहीं मिल पाता है, जिनके पास पैसे नहीं है तो वो रहने को नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बहुत से अच्छे लोग होते हैं जिसको हम समाज सेवक बोल सकते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से मतलब कि उनमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं रहता, सेल्फिशनेस नहीं रहती है उनकी, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। देर आर सम पीपल हु सर्व द कम्युनिटी टू फ्री दे वर्क सेल्फलेसली द गुड ऑफ द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स। ऐसे कुछ पीपल होते हैं जो कि हमारे समाज में ऐसी मदद करते बिना स्वार्थ के करते, मतलब कि उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, और उनमें ऐसा नहीं कि हमें पैसे चाहिए, वो बिना पैसों के भी उन दूसरों की मदद करते हैं। सम सोशल वर्कर्स फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs। कुछ समाज सेवक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, समाज सेवक जो कि एक संगठन बनाते हैं, संस्थान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्थान, इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, सांदीपनी स्कूल, तो ये भी क्या हो गया, एक हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब कि संस्थान हो गया। तो ऐसे जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट मतलब कि बिना सरकार के द्वारा भी होते हैं और कुछ सरकार के द्वारा भी होते हैं। दिस वर्क टू मेक द लाइफ्स ऑफ द पुअर एंड नीडी बेटर। उनका उद्देश्य क्या रहता, उनका मेन जो कह सकते पर्सपेक्टिव क्या रहता, मेन उद्देश्य क्या रहता है, क्या रहता है कि वो गरीबों की क्या कर सके और ज़रूरतमंदों की क्या कर सके, सेवा कर सके। तो सोशल वर्कर ये होते हैं जो कि बिना निस्वार्थ भाव से मतलब कि निस्वार्थ भाव से जो गरीब लोग होते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे कि यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड द पिक्चर ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में सबने सुना होगा, मदर टेरेसा क्या है, शी वॉज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोशल वर्कर। ये भी एक तरह की क्या थी, समाज सेविका थी, जो कि क्या मतलब कि जो भी ज़रूरतमंद लोग रहते थे, जो भी गरीब लोग रहते थे उनकी क्या करती थी, ये सेवा करती थी। ये एक ऐसी सोशल वर्कर है जिनको कि क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है। शी गॉट द नोबल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स ऑर्फन। ये क्या करती थी, ये इस तरह की समाज सेविका थी जो कि जो अनाथ बच्चे होते, जो ऑर्फन्स होते हैं मतलब कि विदाउट पेरेंट्स, जो ऐसे बच्चे जो कि विदाउट पेरेंट्स होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनका हम बोलते हैं ऑर्फन्स मतलब कि अनाथ। तो वो उन लोग के लिए क्या करती थी, सेवा करती थी, जितने भी अनाथ बच्चे रहते थे उन लोग के लिए क्या करती थी, सेवा करती थी, निस्वार्थ भाव से करती थी, मतलब कि उनमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं रहता था। इसको देखकर जो सरकार थी उन्होंने प्राइज दिया था, जिसका नाम है प्राइज, द नेम ऑफ प्राइज इज नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज किसको मिला था, मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा कौन थी, शी वॉज द पॉपुलरली नॉन एज इंडियन सोशल वर्कर। ये बहुत जानी मानी भारत की समाज सेविका थी जिनको कि नोबल पीस प्राइज मिला था, 1979 में मिला था। और क्यों मिला था, क्योंकि ये अनाथ बच्चों की क्या करती थी, सेवा करती थी। सो टूडे वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। आज हमने क्या डिस्कस करा कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस देखे। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस में हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, जो जिनका क्या काम रहता है, वह हमने देखा। जैसे कि द वर्क ऑफ टेलर इज टू स्टिच द क्लॉथ। टेलर का काम क्या रहता है, कपड़े को सिलना होता है। पोस्टमैन का काम क्या रहता है, लेटर्स को डिलीवर करना होता है। कॉबलर का काम क्या होता है, रिपेयरिंग ऑफ शूज़,
पुलिस का काम क्या रहता है, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम थीव्स, मतलब कि चोरों से हमें लोगों को क्या करना, बचाना। टीचर्स का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। तो दीज आर द सेवरल ऑक्यूपेशंस विच वी स्टडीड टूडे। देन वी स्टडीड अबाउट द वन टाइप ऑफ वर्क दैट इज कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, मतलब कि काम देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स। देन वी डिस्कस अबाउट द सोशल वर्कर्स। इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क्स इन अ फैमिली। अगली क्लास में हम वर्क्स इन अ फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कंटिन्यू सेशन में रहेगा इसी चैप्टर का। तो होप सो यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर विच आई टोल्ड यू अप ही टिल नाउ। जो अभी तक मैंने आपको बताया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।